इसे बनाने के लिए मैंने 36 फंदे डाले हैं, 36 स्टिचेस और 10 नंबर की सिलाई का उपयोग किया है और 8 लाइन मैंने उल्टा उल्टा बुना है, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारी सामने से और 4 पीछे से आई है। और अब ये 9th रो है, तो 9th रो है और सामने से, तो पहला फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और सिलाई पे ऐसे ऊन चढ़ा के लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन चढ़ा के अपनी ओर लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, ऊन चढ़ा के लाएंगे अपनी ओर, दो फंदों को लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। इस तरह करने से जाली बन जाएगा। तो दो फंदों को एक साथ करना है, तो दो का एक किया, एक फंदा घट गया और ये जाली बनाने से हमारा फंदा बैलेंस हो गया। तो हमें ऊन चढ़ा के ऐसे ऊपर से लाना है, दो फंदों को एक साथ लेना है, दो का एक कर लेना है। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई में करेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और जाली डालते हुए दो का एक कर लेंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट फंदा ये एज स्टिच है, उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए यहाँ पे डोरी डालने के लिए हमारे ये हम छेद बनता चला जा रहा है। अब हम सामने से हैं और ये है 11वां लाइन। तो 11वां लाइन में पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, 15 फंदे उल्टा बुन लेंगे। तो ये 15 फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं। अब हम बीच के 4 फंदे उन्हें एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर ऐसे पलट के इसी में एक बार और उल्टा उल्टा बुना। अब इसको ऐसे पलट दिया और फिर वापस इसी में उल्टा बुन लिया, उल्टा बुना, फिर इस फंदे को ऐसे पलट दिया और वापस एक बार और उल्टा बुन दिया। तो देखिए ये 6, 3 फंदों से 6 हो गया और ये चौथा फंदा है जिसको हमने दो बार बुन के, तो ये 4 फंदे जो है वो 8 हो गए। शेष फंदे लास्ट के 16 फंदे बचे हैं जिन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो 36 फंदे थे, 4 फंदे और बढ़ गए और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा 13वां लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और 14 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो ये टोटल पहला फंदा हमने स्लिप किया और 14 फंदा उल्टा बुना, तो ये टोटल 15 फंदे हो गए। अब हम बीच के 10 फंदों को दो बार बुनेंगे, एक बार उल्टा बुना और फिर इसी में एक बार और उल्टा, एक बार उल्टा बुना फिर इसी फंदे को घुमाकर एक बार और उल्टा बुने, तो 4 हो गया, 2 से 4 ये 3 से 6 हो गया, 4 5 छः 7 8 9 और 10 और लास्ट में ये 15 फंदे बचे हैं, तो 14 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे
और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो अब हमारी सिलाई पे 50 फंदे हो गए हैं, 50 स्टिचेस। पहली बार हमने चार से आठ किया था, यानी चार फंदे बढ़ाए थे, और दूसरी बार हमने 10 से 20 किया, यानी कि 10 फंदे बढ़ा दिए। तो टोटल हमारे 14 फंदे बढ़ गए, 36 थे 14, और बढ़ जाने से ये हो गए 50। तो अब 15वीं लाइन है, तो अब इसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, यानी कि बॉर्डर की तरह पूरी लाइन बुन लेंगे। एक फंदा हमें सीधा बुनना है और एक फंदा उल्टा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 17वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है, तो हम यहाँ ऊपर न डालकर एक, ये देखिए, एक लाइन नीचे यहाँ डालेंगे और सीधा बुनेंगे। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा है, तो हम ऐसे सिलाई डालते हैं जो सिलाई में लगा हुआ है उस फंदे में, लेकिन हम इसमें एक लाइन नीचे, ये जो छेद दिखाई दे रहा है उसमें हम सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, अगला फंदा सीधा है, तो उसे एक लाइन नीचे से हम सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट उल्टा, अगला फंदा सीधा है, तो उसे हम, देखिए ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें सिलाई डालेंगे, यानी एक लाइन नीचे से हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा है, उसे हम सिलाई वाले फंदे में ना डाल के एक लाइन नीचे डालेंगे। और तब सीधा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा, सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से, एक फंदा उल्टा और सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से, तब सीधा उल्टा, सीधा वाला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 19वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे से, तब सीधा। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा। तो ऐसे ही करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे और हम 16 लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा मतलब 5वां लाइन चल रहा है और हम ऐसे 16 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो 16 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 16 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब पहला फंदा स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे उल्टे ही बुनेंगे। अब हमें सभी फंदे उल्टा उल्टा ही बुनना है, फ्रंट से भी उल्टा और बैक से भी उल्टा। तो इस तरह हम कुल 8 लाइन बुनेंगे, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारियां सामने से भी आएंगी और 4 उल्टे फंदों की धारियां रॉन्ग से भी आएंगी। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये 8 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे बाइंड ऑफ करना है, तो
दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते चले जाएंगे। वापस इसको बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हम सारे फंदे कंप्लीट कर लेंगे, सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो सारे फंदे क्लोज हो गए हैं और अब इसको हम इसमें से धागा निकालेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये बेबी बूट तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। तो इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, और अब यह इन सारे में ऐसे हम सिलाई डाल सुई डालेंगे। ऐसे सारे में हम ऐसे डालेंगे, एक बार इधर से, एक बार इधर से। और टाइट कर लेंगे। देखिए ऐसे टाइट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेबी बूट तैयार हो गया है। अब हमें इसमें यहाँ पे धागा डालना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बेबी बूट तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।